हे गाइस वेलकम बैक टू लाइफ टाइम फिटनेस टीवी। आज हम फिर से आ गए मिथबस्टर सीरीज के साथ। तो अगर आपको नहीं पता कि ये क्या है तो मैं बता देता हूँ। इस मिथबस्टर सीरीज में हम जितने फिटनेस फैशन लाइफस्टाइल के मिथ होती है उसको हम क्लियर करते हैं और इस वीडियो की ड्यूरेशन अराउंड 2 मिनट्स रहती है, तो आप बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा सीख सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक छोटी सी अपील है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि हमारे 1000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। तो आज हम बात करते हैं आज के मिथ के बारे में। आज की मिथ ये है कि जो लोग वेट गेन कर रहे होते हैं उनको ये लगता है कि हम कुछ भी खा लेंगे, हमें ज़्यादा खाना है और उससे हमारा वेट गेन हो जाएगा। पर ऐसा नहीं है। वेट गेन करते टाइम हमें 3 चीज का कंजम्पशन ज़्यादा रखना है। पहला है कैलोरीज, फिर है हेल्दी फैट्स, फिर है मेन, जो सबसे ज़्यादा मेन है वो है हमारा प्रोटीन। तो हमें ऐसा नहीं समझना कि हम कुछ भी खा लें, जैसे खाने के बाद नमकीन खा ली, तलावा, चिप्स, कुरकुरे, ऐसी हमें कोई चीज़ नहीं खानी। हमें ऐसी चीज़ खानी है जिसमें कैलोरीज हाई हो और साथ के साथ उसमें प्रोटीन अच्छा हो। प्रोटीन इसलिए कि हमारी मसल को ज़्यादा प्रोटीन मिल सके जिससे हमारी मसल ग्रो है। वेट गेन करते हैं तो हम हमारे मसल मास बढ़ाना चाहते हैं तो वही वेट गेन होता है एक तरीके से। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हम प्रोटीन का ज़्यादा खाएं। और अगर आपको वेट गेन के बारे में ज़्यादा जानना है तो ऊपर मैं लिंक दे दूंगा, वो वीडियो आ जाएगी, आप उसको देख सकते हैं। तो आज की मिथ ये थी कि हमें कोई भी बाहर की चीज़, जंक फूड वगैरह चीज़ें नहीं खानी है। हमें बस ये ध्यान में रखना है कि ज़्यादा कैलोरीज, प्रोटीन और हेल्दी फैट्स कंजम्पशन करें जिससे कि हमारा वेट जल्दी से जल्दी बढ़े। हो सके तो हम जैसे लिक्विड कैलोरीज, बनाना शेक विदाउट शुगर और ये सब चीज़ें पी सकते हैं, उसमें पीनट बटर वगैरह मिला के। तो हमें ऐसी चीज़ कंज्यूम करनी है जिसमें कैलोरीज ज़्यादा हो, प्रोटीन ज़्यादा हो। ऐसा नहीं कि हम जंक फूड ही खाने लग जाए कि खाने के बाद नमकीन खा ली या कोई शेक वगैरह बना के पी लिया जिसमें ज़्यादा ही शुगर हो। तो हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि हमें फैट इंक्रीज़ नहीं करना, हमें हमारा मसल मास इंक्रीज़ करना है। वेट दोनों तरीके से इंक्रीज़ हो सकता है पर हमें मसल मास वाली चीज़ हमें चुननी है क्योंकि वही करेक्ट है। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी वीडियो। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।